देश मंगलवार को जब गणतंत्र दिवस का जश्न मनाने में जुटा था, उसी वक्त राजधानी दिल्ली में प्रदर्शनकारियों का उत्पात जारी था। कृषि कानून के खिलाफ जारी आंदोलन में किसान संगठनों ने ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कही, लेकिन मंगलवार को ये मार्च हिंसा में तब्दील हो गया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत हुई, कई लोग घायल हुए और दिल्ली में जगह जगह तोड़फोड़ हुई। बीते दिन किस तरह दिल्ली की सड़कों पर तांडव हुआ, इन वीडियो की नजरों से देखें। दिल्ली के नांगलोई नजफगढ़ इलाके के पास प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के वाहनों में तोड़फोड़ की और नुकसान पहुंचाया। प्रदर्शनकारियों ने जब बीते दिन लाल किले पर हंगामा किया तो पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन उपद्रवियों ने पुलिस पर भी हमला बोल दिया। कई पुलिस कर्मियों को ऊपर से ही छलांग लगानी पड़ी। आईटीओ के पास बीते दिन एक ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। प्रदर्शनकारियों ने इसका आरोप पुलिस पर लगाया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में साफ हुआ कि चालक ट्रैक्टर काफी तेजी से चला रहा था, जो कि पलट गया। मंगलवार को प्रदर्शनकारी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में तांडव कर रहे थे और हर जगह पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेड को तोड़ रहे थे। दिल्ली के पंजाबी बाग में भी बीते दिन कुछ ऐसा ही हुआ। दिल्ली के नांगलोई इलाके में मंगलवार को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष हुआ। प्रदर्शनकारी आगे की ओर बढ़ना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने वहां ही ट्रैक्टर से स्टंट करना शुरू कर दिया। बीते दिन हुए दिल्ली में तांडव की सबसे बड़ी तस्वीर वही रही, जहां प्रदर्शनकारियों ने लाल किले पर निशाना साहिब के झंडे को लहरा दिया। इस कृत्य की हर किसी ने आलोचना की और कहा कि लाल किले पर सिर्फ तिरंगा ही लहराना चाहिए। दिल्ली में मंगलवार को सबसे भीषण संघर्ष आईटीओ के पास देखने को मिला, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने थे। हजारों की संख्या में ट्रैक्टर यहां जमा हुए और पुलिस का मुकाबला करने लगे। गणतंत्र दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर दिल्ली में जमकर तांडव हुआ। अलग अलग इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने अपना रौद्र रूप दिखाया। प्रदर्शन के दौरान आईटीओ पर जब संघर्ष तेज हुआ तो एक पुलिस वाला उपद्रवियों के बीच में फंस गया। तब प्रदर्शनकारियों ने खुद उस पुलिस वाले को संकट से बाहर निकाला। दिल्ली पुलिस ने बीते दिन जगह जगह बैरिकेड लगाए और प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन हर जगह ये टूट गए, फिर चाहे वो बस हो या फिर कंटेनर। ऐसी ही और भी कई खबरों को सबसे पहले पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।